दोस्तों नेटफ्लिक्स पे हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है यू यू हाकुशो। जैसा इसका नाम है वैसे इसका कंटेंट है, काफी सारा एक्शन होने वाला है। तो मतलब अगर बात कहें सीधी बात नो बकवास, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वेब सीरीज में टोटल 5 एपिसोड है, मतलब अपनी लाइफ से आपको 4.5 से 5 घंटे इस वेब सीरीज को देने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, वर्थ है। मतलब इस मूवी का जो कंसेप्ट और जो स्टोरी लाइन इसकी है उसमें आपको कोई भी फालतू की चीज देखने को नहीं मिलती, सिर्फ स्टोरी पे फोकस किया गया है और कंटेंट पे फोकस किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो मैं ज्यादा आपको स्पॉइलर ना देते हुए स्टोरी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देता हूं। वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही आपको पता चल जाता है कि जो हमारे हीरो हैं उनकी डेथ हो जाती है। एग्जैक्टली, सो इसमें घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। डेथ होने के बाद ही एक्चुअली उसको रियलिटी पता चलती है, जब उसको स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पता लगता है, जिसमें उसको ऑफर किया जाता है कि आप अपनी लाइफ को वापस जाके जिए और आपको एक कुछ सुपर पावर्स दी जाएंगी जिसकी वजह से आप इंसानियत को बचा पाओगे। तो दोस्तों इस लड़के को सुपर पावर तो मिल जाती है, लेकिन इस लड़के की एज दिखाई गई है इसमें 16 से 17 साल। तो ये काफी देखना इंटरेस्टिंग था कि वो अपनी सुपर पावर्स को किस तरीके से यूज करता है इंसानियत को बचाने के लिए। दोस्तों इस वेब सीरीज के अंदर VFX के साथ साथ एक्शन जो इन लोगों ने शूट किया है वो इतने बढ़िया तरीके से शूट किया है कि देखने में आपको एक्चुअली बहुत मजा आता है। और VFX कहीं कहीं थोड़ा सा आपको लगेगा जो बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके जाते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं हम जैसे लोग तो। लेकिन जो इसमें क्रीचर्स इन्होंने मेंशन किए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाए इन्होंने, और VFX काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। और उनसे जब उस लड़के की फाइट होती है वो एक्शन सीक्वेंसेस जो भी जब आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्तों स्पेशली एक क्लाइमेक्स का सीन है, मेरे को जब वो सीक्वेंस चालू हुआ था तो मुझे थैनोस की याद आ गई थी। तो आप लगा सकते हो कि अगर मैं थैनोस के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो इसका क्लाइमेक्स एक्चुअली कैसे होने वाला है। फाइट सीक्वेंस इतना अल्टीमेट, VFX बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया था। तो अगर मेरी आप बात करोगे तो वेब सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप देखना चाहो, अगर आप 4 से 4.5 घंटे आप निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, तो प्लीज आप ये वेब सीरीज जरूर देखिए, इस वेब सीरीज में बहुत दम है। दोस्तों वैसे तो मैं पहले कोरियन ड्रामा नहीं देखा करता था, बट कुछ टाइम से मैं कोरियन ड्रामा देखना शुरू किया है। तो भैया इन लोगों के पास भी कॉन्टेंट और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती है हमारे को। दोस्तों अगर बात करें इस वेब सीरीज की रेटिंग के लिए तो मैं इसको 10 में से 8 देना चाहूंगा, क्योंकि इस वेब सीरीज में बहुत दम है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू यू यू हाकुशो के बारे में। तो अगर ये वेब सीरीज आपने देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके जरूर देखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फिल्मी नजरिया।